हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। अभी मैं चंबा में मौजूद हूं, चंबा चौगान में मौजूद हूं। आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, इसलिए चौगान खाली खाली लग रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि चंबा कितनी अच्छी और खूबसूरत जगह है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको इस ब्लॉग में जो है अच्छी अच्छी लोकेशन में आपको दिखा पाऊँ। फिलहाल मैंने जैसे कि आपको बताया, संडे का दिन है तो यहाँ पर रश भी नहीं है, यानी कि भीड़ भी नहीं है। पूरा चौगान यहाँ पर खाली खाली दिख रहा है और मैं कोशिश करूँगा। ऊपर यहाँ पर चामुंडा माता मंदिर भी है, चंबा का फेमस मंदिर है, तो मैं जाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं वहां पे गया तो आपको बहुत ही वहां से अच्छी लोकेशन पूरे चंबा की देखने को मिल जाएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा जाने की। बाकी आप मौसम देख सकते हैं, मौसम भी आज अच्छा हो रखा है। और अगर आपको ये व्लॉग जो है पसंद आता है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस YouTube चैनल पर बहुत ही सारी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों मैं चामुंडा माता मंदिर में पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे आप यहां पे चामुंडा माता मंदिर देख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से यहां पे दिखाऊंगा और यहां पे जो चंबा शहर है बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं और आगे भी यहां पे बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो में अच्छे से। और ये आप चामुंडा माता का यहाँ पर मंदिर देख सकते हैं, आपको आगे वाले कैमरे से मैं अच्छे से दिखाता हूँ। Thank you.
तो अभी दोस्तों आपने चामुंडा माता के दर्शन कर लिए हैं, अभी भी मैं मंदिर में हूँ, आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है मंदिर बंद है, इसके कारण मैं आपको अंदर जाके नहीं दिखा पाया। लेकिन अंदर जाना वैसे भी अलाउड नहीं है, हर किसी को अंदर जाने नहीं देते हैं, बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। तो बाहर से वैसे जितना भी दिखाई दे रहा था मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। और मेरे पीछे का आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं, पूरा चंबा शहर यहाँ से दिखता है और पीछे यहाँ पर मंदिर है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने चामुंडा माता के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दर्शन करा दिए हैं, और यहाँ से चंबा शहर कैसा दिखता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो जब भी आप चंबा में आते हैं तो आप चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए आप इस मंदिर में आ सकते हैं, और यहाँ से जो है दोस्तों चंबा का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में भी दिखा दिया और मेरे पीछे यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि पीछे का यहाँ पे जो है कैसा यहाँ पे नज़ारा रहता है। इसके बाद दोस्तों हम जो है अब अगली लोकेशन पर चलते हैं। तो अभी दोस्तों मैं दूसरी लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। यहां से जो चंबा शहर है बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है, मेरे पीछे आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और यहां पे दोस्तों एक टेंपल भी है, एक मंदिर भी है, आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे मंदिर में प्रतिमा मौजूद है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। इसके अलावा ये कौन सा मंदिर है, कौन सी ये माता है, ये तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर पीछे लिखा भी हुआ है लेकिन ये सारा कुछ ख़राब हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ा नहीं जा रहा है। लेकिन अंदर जो यहाँ पे प्रतिमा है बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और यहाँ से चंबा शहर बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है। और गर्मी का टाइम है लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा है, तो हवा लग रही है बहुत अच्छी वाली। और यहाँ पे जो चंबा शहर है बहुत बहुत अच्छे से खूबसूरत से दिखाई दे रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों मंदिर में प्रतिमा है, फिलहाल यहाँ पे जो है बाहर से ताला लगा हुआ है तो अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये प्रतिमा है माता की, अब कौन सी माता है ये तो नहीं जानता क्योंकि ऊपर एक यहाँ पे बोर्ड है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड भी दिखाऊँगा। ये माता रानी के आप सबसे पहले दर्शन कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मंदिर के अंदर प्रतिमा है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी है कुछ, जैसे कि यहाँ पे नागराज जी की एक प्रतिमा है, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है लेकिन काफ़ी पुराना हो चुका है, यहाँ पे ये ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा है, यानी कि तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। और यहाँ से जो चंबा शहर है, जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी है, ये पूरा मंदिर है, मंदिर के अंदर कौन सी प्रतिमा है ये मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी हम चलते हैं नीचे। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से पूरा चंबा शहर देख सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे जाएँगे ना तो यहाँ से और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। सबसे टॉप पे हम यहाँ पे अभी है, आप देख सकते हैं ये पूरा चंबा शहर है, और ये रहा चंबा का यहाँ पे चौगाना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पूरा चंबा शहर है, काफ़ी आंखों से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, और दिखाता हूँ आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। दोस्तों इस लोकेशन से चंबा शहर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखता है, लगभग पूरा यहाँ पे जो है चंबा शहर आपको देखने को मिलेगा इस लोकेशन से, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा चंबा शहर है, और काफ़ी हम हाइट पे हैं, ऊंचाई पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे जो है माहौल बना रहता है। और यहाँ पे जो है गर्मी आपको नहीं लगेगी क्योंकि हवा यहाँ पे लगती रहती है, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे भी है, और यहाँ पे पूरा चंबा शहर आपको जो है देखने को मिलेगा। सेल्फी पॉइंट है बहुत अच्छा यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे जो है पहले फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
तो अभी दोस्तों वापस मैं चंबा के चौगान में पहुंच चुका हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करता हूं। बाकी दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।